मनगवा एसडीएम का रीडर 10,000 रुपए की घूस लेते लोकायुक्त पुलिस के हत्थे चढ़ा। जमीन पर स्टे खत्म कराने के साथ फैसला अपने हक में कराने के एवज में मांगे थे पैसे। मनगवा एसडीएम का रीडर 10,000 की घूस लेते लोकायुक्त पुलिस के हत्थे चढ़ा। जमीन पर स्टे खत्म करने के साथ फैसला अपने हक में कराने के एवज में मांगे थे पैसे। लोकायुक्त पुलिस ने काफी दिनों की शांति के बाद एक बार फिर से बड़ा धमाका किया। इस बार मनगवा का एसडीएम का रीडर चढ़ा लोकायुक्त पुलिस के हत्थे। लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10,000 की रिश्वत लेते मनगवा के रीडर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। खबर लिखे जाने तक कार्रवाई जारी थी। लोकायुक्त की एक कार्रवाई में मनगवा तहसील के एसडीएम के रीडर कमलेश तिवारी 10,000 की घूस लेते रंगे हाथों पकड़े गए। हम आपको बता दें, लोकायुक्त की एक बार फिर कार्रवाई हुई। इस बार रिश्वतखोर रीडर चढ़ा लोकायुक्त पुलिस के हत्थे। मनगवा तहसील के एसडीएम कार्यालय में पदस्थ रीडर कमलेश तिवारी को लोकायुक्त की टीम ने 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। खबर लिखे जाने तक कार्रवाई जारी। लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह धाकड़ के अनुसार रीडर कमलेश तिवारी विपुल मिश्रा, जो कि ग्राम सेमरी कला तहसील थाना मनगवा में रहते हैं, इनका एक प्रकरण मनगवा के एसडीएम कोर्ट में चल रहा था। कमलेश तिवारी ने इन्हीं से 2,000 रुपए पहले लिए थे। आज 10,000 की और डिमांड की थी। पैसा लेते चढ़े लोकायुक्त पुलिस के हत्थे। विपुल मिश्रा का जमीनी विवाद गांव में ही किसी से चल रहा है। विपुल मिश्रा तहसील कोर्ट में मुकदमा हार गए थे। उसके बाद वह प्रकरण को एसडीएम की अदालत में ले गए। कमलेश ने 2,000 रुपए पहले ही ले लिए थे विपुल से। आज विपुल मिश्रा को बुलाया था उनकी जमीन पर स्टे को हटवाने के लिए, साथ ही फैसला उनके हक में कराने के लिए, जिसके लिए उन्होंने 10,000 रुपए मांगे थे। इस बात की शिकायत विपुल मिश्रा ने रीवा लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह धाकड़ के पास की। गोपाल सिंह धाकड़ लोकायुक्त एसपी ने पूरे मामले की जांच कराई। जब यह जांच में तय हो गया, हाँ ये शिकायत सही है, इन्होंने 10,000 रुपए की रिश्वत ली है, तब लोकायुक्त एसपी ने एक टीम बनाई और कार्रवाई के निर्देश दिए। आज लोकायुक्त की टीम वहां पर पहुंची मनगवा में। जब वो पैसा ले रहे थे रीडर, उसी दौरान लोकायुक्त की टीम ने विपुल मिश्रा ने जब पैसा दिया कमलेश तिवारी को, तो रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। लोकायुक्त की टीम ने उनको पकड़ लिया। इस बारे में हमने लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह धाकड़ से बात की। हम आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ बताया। गोपाल सिंह धाकड़ का साफ तौर से कहना था, हाँ हमारे पास शिकायत आई थी, हमने शिकायत की जांच की, जांच सही पाने पर आज हमने एक टीम बनाई थी, टीम बनाकर हमने मनगवा भेजा था। जैसे ही रीडर ने 10,000 रुपए लिए, हमारी टीम ने उसको पकड़ लिया। सुनिए लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह धाकड़ पूरे मामले को लेकर, कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। एक आवेदक है विपुल मिश्रा, जो सेमरी कला के रहने वाले हैं मनगवा तहसील के, ये बेसिकली कृषक हैं। इनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था, शिकायत की गई थी मेरे पास लोकायुक्त कार्यालय रीवा में, जिसमें इनके जमीन का किसी अन्य व्यक्ति से विवाद चल रहा है, जिसका तहसील कोर्ट में इन्होंने तहसीलदार के पास लगाया था, वहाँ से ये चूँकि केस हार गए, तो इन्हें अपील की थी उसमें एसडीएम मनगवा के। उस अपील में सामने वाली पार्टी को एसडीएम के द्वारा जो है उसमें स्टे दे दिया गया था, तो उस स्टे को हटाने और जमीन का जो फैसला है उसको अपने आवेदक के पक्ष में करने के एवज में 10,000 रुपये की जो है मांग की गई थी। उनका जो रीडर है एसडीएम का कमलेश तिवारी मनगवा तहसील एसडीएम कार्यालय में, उसके द्वारा पूर्व में 2,000 रुपये भी लिए जा चुके थे, और आज जो है पुनः 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त रीवा की टीम द्वारा आज उसे कमलेश तिवारी को ट्रैप किया गया। अभी कार्रवाई जारी है।